पर इंडिया के इन शहरों को हर लिहाज से स्मार्ट बनाया जाएगा। इनमें से ज्यादातर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बेहतर है और जिन शहरों का डेवलपमेंट स्लो है उसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब इंतजार है तो बस इन शहरों का नाम ग्लोबल स्मार्ट सिटीज में शुमार होने का। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश पर सरकार का खास ध्यान है। इस राज्य के 5 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करने के लिए चुना गया है। साथ ही मोदी सरकार ने खास तौर पर उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार को भी हाई क्लास सिटी बनाने के लिए चुना गया है। देश की राजधानी लखनऊ मेट्रो सिटीज के अलावा देश के 15 बड़े शहरों में शुमार है। दिल्ली के बाद लखनऊ उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये शहर पूरे राज्य में सबसे आगे है। उद्योग चैम्बर एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक तेजी से रोजगार दिलाने वाले टॉप 10 शहरों में लखनऊ छठे पायदान पर है। लखनऊ में मेट्रो भी प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार ने 10,035 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 270 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। लखनऊ के सेंट्रल एरिया में एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा जिसकी मदद से शहर की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा और इसकी वजह से शहर के रियल एस्टेट बाजार को लगातार बूस्ट मिल रहा है। कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और यहाँ बहुत सुधार होना बाकी है। हालांकि ये शहर लेदर इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है लेकिन यहाँ विकास की गति काफी धीमी है। कानपुर में बिजली पानी की भी भारी किल्लत है। जानकारों की राय में कानपुर शहर में फिलहाल सुधार की काफी गुंजाइश है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आते ही शहर की सूरत के साथ साथ यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार का भी हाल बदलने की उम्मीद है। हम जब बनारस की बात करते हैं तो एक थोड़ा बनारस शहर से बाहर हट के जाते हैं और आउटस्कर्ट्स के ऊपर आते हैं, एक बार न्यू बनारस की तरह से हम डेवलप करें और उसी के आसपास वहां पे इंडस्ट्री भी डेवलप करें कि लोग एजुकेशन, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर आपको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, इंडस्ट्री भी हो, सब कुछ उसका शहर के अंदर हो, सेल्फ सस्टेन शहर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की होली सिटी वाराणसी के डेवलपमेंट पर सरकार का खास ध्यान होगा क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता था। वाराणसी जो कि टेंपल टाउन के नाम से भी मशहूर है, अपने कल्चर और हेरिटेज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इस शहर के मेकओवर के लिए गूगल की भी मदद ली जाएगी और इसे नेशनल हब बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने नमामि गंगा प्लान पर लगभग 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तकरीबन 2,037 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नदी की हालत सुधारने पर खर्च होगा और 4,200 करोड़ रुपए अगले 6 साल तक नेविगेशन कॉरिडोर डेवलप करने पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के सौंदर्यकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस शहर को भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई साल से अनदेखा किया हो लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान के आंकड़ों को देखकर ये साफ है कि मोदी सरकार वाराणसी को स्मार्ट बनाने में कोई कमी नहीं रखना चाहती। वहीं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर और बोधगया शहर भी विकास के मामले में काफी पीछे है और इन्हें डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है जिसके तहत रेल और रोड नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा, बेहतरीन हाईवेज का निर्माण किया जाएगा और नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटीज जस्ट एक डेफिनेशन नहीं है। स्मार्ट सिटीज तभी बन सकते हैं 100 सिटीज अगर उसके अंदर आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्रिएट करें, नंबर वन। उसके साथ मॉडल क्रिएट करने के साथ जो है आपको उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मॉडल नहीं बनाएंगे तो लोग आके रहेंगे कैसे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और सेक्रेट सिटी हरिद्वार को भी स्मार्ट शहरों में तब्दील किया जाएगा। देहरादून शहर का टूरिस्ट अट्रैक्शन अच्छा है, इस लिहाज से अगर देहरादून में कुछ अच्छे बदलाव किए जाएं तो यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और यहां का टूरिज्म कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश भी। वहीं हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है और ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत अहम है, इसलिए सरकार इस शहर को हाई एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित करने की योजना बना रही है। जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड के इन दोनों खूबसूरत शहरों को निखारने से देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और दुनिया भर में इनकी पहचान भी बनेगी। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया।
प्रॉपर्टी प्लस में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे स्मार्ट सिटीज बनने से क्या होगा प्रॉपर्टी बाजार पर इम्पैक्ट। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस।